आ गए तुम? बड़ी देर कर दी आने में। जवानी संभल नहीं रही है तो शादी करके बैठ जाती किसी के घर में, तो आज ये नौबत नहीं आती। हाय हाय, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता, उससे भी छोटा लड़का है। अरे इसके लक्षण तो शुरू से ही ऐसे थे, पर ये ना पता था कि ऐसे मुँह काला करवाएगी। नहीं भैया, मैं विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज भैया, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। भैया भैया, मैं सच बोल रही हूँ। एक औरत पर यह इल्जाम था कि उसने अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ रिश्ते कायम किए। उसी औरत पर यह भी इल्जाम था कि उसने मालिक और नौकर के रिश्ते को बदनाम किया। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूँ। कौन थी ये लड़की? इस लड़के के साथ इसका रिश्ता क्या था? क्या वाकई इसने गरीब को नौकरी देने के बहाने फंसाया था, या इसके पीछे कोई और ही जाल बुना जा रहा था? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की हैरान कर देने वाली ये वारदात। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। कैसी बीती आपकी रात? नींद तो अच्छी आई ना? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। वैसे मुझे बनाना तो नहीं आता, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सीखना चाहती थी, लेकिन मेरे भैया है ना, मुझे किचन के अंदर कभी पाव ही रखने नहीं देते। अब इसमें मेरी क्या गलती? और ना ही कभी रखने दूंगा। कल तक मैं किचन संभालता था, आज से तुम्हारी भाभी संभालेंगी। क्यों शिल्पा? जी। अच्छा शिल्पा, वो नीता की फेवरेट आलू के पराठे बना देना प्लीज नाश्ते में। अरे भाई योगेश, क्या बात है, आज पहले ही दिन भाभी को काम पे लगा दिया। भाभी अब तो हम भी खाएंगे आपके हाथ के पराठे, हमारे लिए भी सेक देना 2-3। जी जरूर। चलिए। ओह थैंक यू भाभी। वैसे मैंने नोटिस किया है तुम बड़े स्मार्ट बन के घूमते हो। अजी हम तो आप के लिए सस्ते हैं। लेकिन आपने तारीफ आज की है। वैसे तुम्हारे भैया यहाँ बैठे हैं, वरना। अच्छा तो चलो अकेले में, फिर बताओ कि वरना के आगे क्या करोगे? अजी रहने दो। थोड़ी बहुत शर्म ही कर ले। वैसे नीता, तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कैसा चल रहा है? ओ बहुत ही अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट भैया का वो जो दूसरा घर है ना, वो बिजनेस के लिए बहुत ही काम आ रहा है। सारे जो रॉ मटेरियल्स है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। अरे पगली, वो हमारा घर नहीं है, तुम्हारा है हमेशा के लिए, लेकिन शादी के बाद। हाँ हाँ, आप तो बस हमें घर से बाहर निकालने के मौके ढूंढते रहो। योगेश वो आज मीटिंग के लिए सारे पेपर्स रेडी हो गए? हाँ हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी है, तुम टेंशन मत लो यार, तुम बस पराठों के मजे लो। नीता जरा मेरे साथ 2 मिनट अंदर तो आना। अरे मुझे खाने तो दो। नहीं मुझे कुछ जरूरी काम है, बस 2 मिनट। आओ नीता। ओके। हाँ भाभी। गला देखो जरा अपना, तुम जवान हो गई हो नीता, बाहर वालों के सामने कपड़े तो संभालना सीख जाओ। ओके चलो।
देखो अब घर पे आई हो तो घर के साथ साथ अपनी ननद को भी संभालो। मजाक मस्ती तो कौन नहीं करता एक दूसरे से, पर वो भी अपनी हद में होना चाहिए ना। अब माँ तो है नहीं जो लगाम में रखेगी। हाँ हम तो पड़ोसी हैं, इसलिए आए तुम्हें समझाने के लिए। अच्छा अब खा भी लो ना। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है कि तुम्हें मोहल्ले वालों की बातों पे ज्यादा विश्वास है। जिन्होंने कभी कोई मदद नहीं की उनकी बातें सुन के तुम नीता पे शक कर रही हो। वाह बहुत बढ़िया, पर शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं कि नीता को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। चाहे कितनी मॉडर्न हो जाए, मैं इतनी बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कभी मेरी नाक नहीं कटने देगी। मैं उसकी आपकी दुश्मन तो नहीं हूँ, भला चाहती हूँ इसलिए कह रही हूँ। हटो यार, नहीं खाना मुझे। लगता है सरजू आ गया। अरे प्रणाम जीजी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी, तुम कैसे हो? अरे जीजा जी, कहाँ जीजा जी? आइए अंदर। अरे आइए। अरे जीजा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बस सब सब ठीक है। यहाँ के लाल क्यों तेरी? अरे जीजा जी, हमारा जर्नी इतना लंबा था ना कि हम यही सोचते रहे कि अब आएगा कब आएगा, है ना। और इस चक्कर में ससुरी नींद ही नहीं आई हमें, है ना। अरे प्रशांत बाबू, आप भी यही बस रहे हैं तो क्या करें सरजू, हमको कहाँ जाना है? हा? अरे शादी याद है? अरे, अरे बिल्कुल याद है। आप भी दूल्हे की सालिया जूते छुपाने बहाने कैसे नाचे रही वो नागिन दास, एक बार फिर करेगा? अरे कैसे बोल सकते हैं नागिन दास। अरे बिल्कुल नागिन 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 नाचन नचिए। तुम ये जल्दी से नाश्ता खत्म करो। ओके। फिर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, आगे मीटिंग में चला जाऊँ। हाँ प्रशांत, तुम मुझे डायरेक्टली वहीं मिलना। ओके ठीक है योगेश। भैया आज से पहले क्या मैंने कोई गलत काम किया है? नहीं, मैं जानता हूँ तेरा दिल साफ है और तू कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन समाज में रहने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन भैया आप जानते हैं ना। आई नो, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि मजाक मस्ती एक लिमिट में अच्छा लगता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गुड बाय। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, जय भोलेनाथ। क्या क्या कर रहे तू? कुछ नहीं जीजा जी, दो दो हाथ हो जाए। तुझे मुबारक। कोई बात नहीं। बम बोले बम बोले बम बम बम। क्या कर रहे तू? हम कहाँ कुछ करते हैं दीदी,
हमसे तो सब भोलेनाथ कराते हैं। तेरी पुरानी बुरी आदतें फिर से शुरू हो गई ना सरजू। आ दीदी, आपका छुटके भाई से विश्वास उठ गया क्या? हाँ? नहीं नहीं। तो दीदी फिर जीजा जी से बात करी आपने? अरे तो उस बात की टेंशन ना ले, कर लेंगे बात, मौका देख के कर लेंगे। ये ठीक है दीदी। बम बोले बम बोले बम बम बम। शिल्पा, ये सरजू कब जा रहा है? वो सरजू जो है ना नौकरी की तलाश में है, मिलते ही चला जाएगा। मुझे नहीं लगता वो काम के लिए सीरियस है। अरे नींद से हमारा नाता भी बहुत पहले टूट गया था नीता जी। क्या कहती है, हो जाए दो दो हाथ? हाँ बिल्कुल, चलो बाटे भिरम। और वैसे भी उसकी बुरी आदतों का क्या, जिसे एक बार बुरी आदत लग जाए ना वो फिर कभी नहीं जाती। आप विश्वास मानिए हमारा, वो बदल गया है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। अच्छा तो फिर उसकी सारा दिन आंखें क्यों चढ़ी रहती हैं? आप जो है ना नहा धो के मेरे भाई के पीछे पड़ गए, ऐसे तो हम भी 100 बुराइयां निकाल सकते हैं नीता को। तो कुछ बोला नहीं ना? अरे यार बस करो, पेट दुखने लगा है, हंसा हंसा के मारोगे क्या? अरे नीता जी, हंसा हंसा के तो दिल जीता जाता है। ओ प्लीज। अब आप ही बताइए, मौत के बाद कौन किसको याद रखता है? बिल्कुल, ये बात तो सही है। देखो मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, रात बहुत हो गई है, सोचो। तो आप अपनी ही साथ सरजू को काम पे लगा दीजिए ना, सारा टंटा ही खत्म हो जाए। अच्छा भाई, ढूंढ दूंगा तुम्हारे होनहार और लायक भाई के लिए कोई नौकरी, अब सो जाओ। आ गए उस लोग। कैसा रहा सरजू पहला दिन ऑफिस का? क्या बताएं दीदी, पूरा दिन लगे हुए थे। अब ऐसा समझ लीजिए कि आज सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है। अब हालत खस्ता हो गई है दीदी, बस बिस्तर मिल जाए तो हम सो जाएं। हाँ पर खाना तो खा लो। अरे नहीं दीदी, बहुत थके हैं, आप सोएंगे जाके। चलो ठीक है। अब कैसा काम किया सरजू ने आज? कहा बताए भाभी, आपके इस भाई ने ना आज तो नाक में दम कर दिया। अरे काम पे तो ध्यान ही नहीं था उसका, सारा दिन तो महिला कर्मचारियों को घूरने में निकाल दिया इसने। अरे यार हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, घर बैठने के पैसे दे दूंगा लेकिन ऑफिस ले जाने की जिद मत करना प्लीज। योगेश मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? ओके चल। नीता का? वो तो सो गई। इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ वो बस ऐसे ही। अरे सुनिए बात तो सुनिए। ये यहाँ बुखार में तप रही है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? पता है मुझे, दवाई देकर ही सुलाया था, आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे इसीलिए नहीं बताया। तुम क्या डॉक्टर हो जो तुमने खुद दवाई दे दी? इसे मामूली सी छींक भी आ जाती थी तो मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता था और तुमने खुद दवाई दे दी, वाह। अरे भैया मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। हम कहा भाभी को चला दिया आपने? जाओ मैं ठीक हूँ।
शिल्पा, मैंने मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही आई थिंक सरजू आज भी नींद ने धोखा दे दिया का? हाँ वो एक्चुअली बुखार है थोड़ा सा, इसलिए नींद नहीं आ रही है। अच्छा बुखार है? अभी हम ठीक है। अरे अब तो आप एकदम पिटम फाट हैं, कुछ नहीं हुआ आपको? हाँ अभी बुखार चला गया, बस भैया ना खाम का चिंता करते रहते। अरे नीता जी दो दो हाथ खेलें अभी ठीक हो जाएंगी आप। बोलो बैठे क्या? आओ बैठो। चलो फिर हराओगी तुम्हें हमें आज? हाँ देखते हैं फिर से, मेरा लकी है सर। आज हमें फीलिंग आ रहा है आज हम जीतने वाले। अच्छा देखते हैं। अरे गए आप तो आज, बहुत बड़े पत्ते हैं हमारे पास, इतने भी बड़े नहीं है वैसे, दिखाएं का जल्दी। तो आज हम फिर हार गए। नहीं एक्चुअली हम हार गए। जीत गए ना हम आज, देखा बोला था आपको, देखा आज हमने बोला था हमारा किस्मत पलटेगा। हाँ पलटा ना। शिल्पा इतनी रात को कौन हंस रहा है यार? तुम्हारी बहन और सरजू पत्ते खेल रहे हैं, अब कोई बुखार वुखार नहीं है उसे। तुम्हारी आंखों तो बहन के प्यार का पर्दा पड़ा है ना, आंखें मूंदी हुई है तुम्हारी, कुछ और दिखाई दे समझ आए तो ना। अक्सर छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़े का कारण बन जाती हैं। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, जरा सी गलतफहमी से या तो ये टूट जाती है या फिर इसमें गांठ पड़ जाती है। योगेश का अपनी बहन नीता के लिए जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना, उसके बारे में कुछ भी गलत ना सुनना, योगेश और शिल्पा के बीच में मन मुटाव पैदा कर रहा था। नीता जिस तरह से सबसे खुलकर बातें करती थी, मिलती जुलती थी, उसकी वजह से मोहल्ले भर में उसके लिए बातें होने लगी। योगेश का साला सरजू भी नीता के लिए गलत नजर रखे हुए था। ये सारी बातें मिलकर किसी गलत की ओर इशारा कर रही थी। नीता जी हमारा बात तो सुनिए। अरे मौका, अरे रास्ता है हो रही है हमसे, अरे समझाने का मौका तो दीजिए। शक्ल मत दिखाना अपनी, जस्ट गेट लॉस्ट। क्या हुआ, तुमने कुछ कहा आपसे? अरे कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, और क्या। तेरे जो मजाक मस्ती है ना देख रही हूँ मैं, जितना दूर रहेगा ना उससे उतना बेहतर है। मेरी सीता जी की लाडली है वो, अगर किसी भी बात का बुरा लग गया ना उसे और शिकायत कर दी, जीजा जी का गुस्सा तो जानता है, समझा रही हूँ, बेहतर होगा कि समझ जा। क्या कर रहे थे ये नीता की ड्रेस है ना? हाँ जीजा जी, वो जरा नीचे गिर गई थी, मैं उठा के ऐसा ऐसा रख रहा था। अरे तेरी आंखें क्यों लाल हैं? कहाँ बताएं जीजा जी, रात भर ना हमें नींद ही नहीं आई, कहाँ है ना हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे,
तो इस वजह से नींद ही नहीं आई हमें। मेरी आंखें ना कभी सही नहीं हो सकती। क्या क्या हो क्या रहा है? समझाओ अपने भाई को कुछ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। चल फिर खड़ी दे चल। जी 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 खड़ी आप। क्या कर रहा था तू? अरे कुछ नहीं दीदी। तेरी आंखें, आंखों को क्या हो गया? क्या छुपा रहा है? हाथ में क्या है? अरे छोड़ो ना दीदी। मुट्ठी खाओ सरजू, दिखा। तूने फिर से शुरू कर दिया? हाँ? सुधर जा सरजू, छोड़ दे ये सब। तेरे जीजा जी को पता चल गया ना? काहे परेशान हो रही हो दीदी इतना? कुछ नहीं होगा। यार दोस्त, आज तुम्हारी वजह से एक और डील पर मोहर लग गई। मुबारक हो योगेश। अरे यार हो सब तो ठीक है, पर तू ये बता कि तू इतनी सुनसान जगह पे क्यों लेके आया मुझे? अरे कहीं और चलते, जश्न वश्न करते यार। पर किसी और जगह पर थोड़े ना ऐसा होता यार, तू भूल गया क्या? यार ये योगेश, ये वही जगह है जहाँ हम दोनों बैठ कर अपने बिजनेस के सपने देखा करते थे, और आज हमारे सारे सपने पूरे हो गए। मेरे दोस्त, ये सब हम दोनों की मेहनत और सब्र का नतीजा है। सच कहते हो दोस्त, जिंदगी का एक पड़ाव हम दोनों पार कर चुके हैं मिलकर, और मैं चाहता हूँ फिर आज एक और पड़ाव पार करें मिलकर। पड़ाव? अब कौन सा पड़ाव? नीता यार, हम तुम्हारी बहन को अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो प्रशांत? नीता मेरी बहन है, और तुम दोस्त होके दोस्त की बहन के बारे में ऐसी बातें सोचते हो? अरे कितनी छोटी है यार तुमसे वो, और तुम तो तलाकशुदा हो। मतलब तुमने सोच कैसे लिया कि मैं नीता की शादी तुमसे करवा दूंगा? और यार तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो, हम तो सिर्फ प्रस्ताव रखे हैं तुम्हारे आगे। अच्छा देखो, अगर हमने कुछ भी गलत कहा हो तो उसके लिए हमें माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई भी बात नहीं करें। बहुत लेट हो गया। अरे योगेश मेरी बात मानो यार। नहीं यार छोड़ो, घर चलना चाहिए अब। जी मैं कुछ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? कर क्या रहा था तू? है कर क्या रहा तू सुई चढ़ के? है अरे बहन को देख रहा था। है जीता जी हमारी बात तो सुनिए। ये क्या कर रहे हो आप? पूछो अपने भाई से, चुप चुप के नीता को नहाते हुए देख रहा था। ये सब सब तुम्हारी गलती है, सब तुमने इसको सर पे चढ़ाया है। क्या है? क्या दिखा दिखाई क्या है? और इसको हाँ छेड़ी, आज तो तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। दीदी बोलिए ना कुछ, कितना मार रहे हैं हम? बोलते हैं चुप रहे दीदी के पीछे अपनी। भैया छोड़ दीजिए, ऐसी गलती हो गई। नीता तुम बिल्कुल चुप रहो इसका मतलब, और तू निकल यहाँ से। अब हमारी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू बस निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा मार मार के सारा नशा उतार दूंगा। चल निकल जाओ। बहुत बेइज्जत हो गई, इतना तो हमने भी कभी माँ बाप का नहीं सुना। कसम महादेव की ऐसा बदला लेंगे जीजा जी, फिर आप याद रखोगे।
अरे कब तक अपने नशेड़ी भाई के जाने का शोक मनाती रहोगी यार तुम? बताया था शादी में जाना है, कब तक यार होगी? आप चाहिए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तुम्हारे भाई को सड़क पे सड़ने के लिए नहीं छोड़ दिया मैंने, इंतजाम करवा दिया है उसके रहने का। अब क्या चाहती हो, सर पे बिठा के घूमू उसे पूरे मोहल्ले में? भैया भाभी चलिए। अरे क्या हुआ भाभी, अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरा मन नहीं है नीता। अरे क्या हुआ भाभी? चलो नीता, शिल्पा का मन नहीं है जाने का तो रहने दो, हम लोग चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया, सुबह तक लौट आएंगे। चलो अरे भाभी आप यहाँ अकेले बैठे हैं और दरवाजा भी खुला हुआ है, योगेश और नीता कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शादी में। और आप? अच्छा तो योगेश आपको घर पर अकेला छोड़ गया, लगता है नाराजगी के बादल अभी भी छाए हुए हैं। उन्होंने जो मेरे भाई के साथ किया। अरे भाभी योगेश ने जो भी किया ना उसमें ना तो योगेश जिम्मेवार है और ना ही सरजू। तो कौन जिम्मेवार है, हम? अरे भाभी आप बिना कब तक गुस्से को पाले रखेंगे, और हम जो ना योगेश को बचपन से जानते हैं, योगेश ने जो भी किया ना वो सरजू की भलाई के लिए किया, समझ रही है ना? कौन हो तुम, इधर आओ। किसको ढूंढ रहे हो? हम किसी को नहीं बल्कि काम को ढूंढ रहे हैं। विकास नाम है जी हमारा, दिमाग बहुत तेज है हमारा और हम किसी भी चीज को फटाक से पढ़ के ना कर ही लेते हैं। अगर आपके पास हमारे लायक कोई काम है तो दे दीजिए, वरना खुद को पालने लायक भी नहीं बचेंगे। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो तुम? मैडम जी वैसे तो अपना जिला हम सबको कानपुर बताते हैं, क्योंकि हमारे गांव का नाम तो कोई जानता ही नहीं है। अब आप थोड़ा अच्छे लगते हैं तो आपको बता ही देते हैं, हम तपसोरा गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, तपसोरा के विकास, अभी चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाती हूँ, चलो। जी जी मैडम जी, आते हैं अभी आते हैं। अरे विकास बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? ये आपके लिए मैडम जी, वो आज रोज डे है ना तो सुबह रेडियो पर सुने थे तो सोचा कि अपनी मनपसंद महिला मित्र को दे दें, अब बुरा तो नहीं मानेंगी? ओ वाओ, ये कितना प्यारा रोज है। नहीं मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन ये रोज ना तुम अपने किसी हम उम्र की लड़की को दे दो। ओके अब जिसके लिए लाए थे उसी को तो देंगे ना। अरे विकास तुम इस वक्त यहाँ पे, क्या हुआ? मैडम जी वो हमारी अम्मा, अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, गांव में उनका इलाज चल रहा और उसके लिए पैसे चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए किसके पास जाए, इसलिए हम तुम्हारे पास। आओ तुम आओ मेरे साथ, तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, आओ आओ चलो। कौन आया था सर? इतनी फिक्र है ना, खुद जाके देख लेते। अरे कब तक अपने भाई के लिए मुझे कोसती रहोगी यार तुम, एक पैसे काम का तो था नहीं वो, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, उसकी करतूतें थी इसी लायक। अच्छा और तुम्हारी बहन की करतूतें? क्या मतलब है तुम्हारा? किसी अनजान लड़के को ना अपने कमरे में लेके गई है अभी अभी।
ये लो पैसे और इसे अपनी माँ के इलाज के लिए इस्तेमाल करना, और चाहिए तो मांग लेना। हाँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। आ गए तुम, बड़ी देर कर दी आने में। जवानी संभल नहीं रही है तो शादी करके बैठ जाती किसी के घर में, तो आज ये नौबत नहीं आती। हाय हाय, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता, उससे भी छोटा लड़का है। अरे इसके लक्षण तो शुरू से ही ऐसे थे, पर ये ना पता था कि ऐसे मुँह काला करवाएगी। नहीं भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज भैया, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही भैया। भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। विकास तुम वहाँ भी चुप क्यों खड़े हो, बोलो ना सबको सब कुछ। अब हम कैसे बता सकते हैं, जो सच है वो तो सभी जानते हो, आप भी। भैया ये झूठ बोल रहा है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? भैया विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है भैया, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए भैया। चलो यार चलो भैया। नहीं भैया ऐसा मत कीजिए प्लीज, भाभी प्लीज बोलो ना उनको, प्लीज। नहीं भैया बहुत हो गया, नहीं भैया निकल जा मेरे घर से, मेरा विश्वास कीजिए भैया, प्लीज अब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। विश्वास करता था मैं तुझ पे, सोचा था तू मेरी शान मेरा अभिमान बनेगी, लेकिन तूने तो पूरे खानदान की नाक कटवा दी। ये क्या कर रहे हैं आप, जवान बहन को कोई इस तरह घर से निकालता है क्या? अरे ऐसी लड़कियों की वजह से तो समाज में रहना भी मुश्किल हो रहा है। बस तेरा मेरा रिश्ता आज से खत्म, मर चुकी है तू मेरे लिए, कोई रिश्ता नहीं बचा तेरे मेरे बीच में। ठीक कहती थी तुम्हारी भाभी, मेरी सारी नादानियों को नजरअंदाज करता रहा, लाड़ प्यार में इतना अंधा हो गया था मैं, और उसी का फायदा उठा के आज तमाचा मारा है तूने मेरे मुंह पे। सोचा था विदाई के समय दूंगा ये चाबी, लेकिन तूने। नहीं भैया। अब जा जा और उसी घर में जाके मुंह काला करवा अपना, तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। नहीं भैया प्लीज, भैया प्लीज आप मेरी बात सुनिए, भैया प्लीज, भैया प्लीज भैया। अरे नीता जी दरवाजा खोलिए, हम सरजू प्लीज चले जाओ यहाँ से। अरे आप दरवाजा खोलिए, आपके भैया की तबीयत बहुत खराब है, मिलना चाह रहे हैं आपसे। क्या हुआ भैया को? डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, हम तो बस झूठ का सहारा लिए थे। तुम्हारे भैया एकदम फिटम फाट। सरजू अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। अरे चले जाएंगे, दो मिनट बता तो ले तुमसे। देखो अगर तुम अभी नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, निकल जाओ यहाँ से। अरे पुलिस को काहे तकलीफ दे रही हो, पुलिस को काहे तकलीफ दे रही हो तुम? हाँ हम चले जाएंगे, पर एक बात समझ लो कि अपने तन मन और धन से अपनाना चाहते हैं, और जब तक तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं घुसेगी ना, तब तक हम आते रहें रिवीजन देने। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ ये देखिए ना भैया। मैडम जी जब मैं दुकान पर अकेले रहता हूँ तो मत आए कीजिए, शादीशुदा आदमी हूँ।
किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी मेरी। अरे लेकिन आप देख तो लीजिए ये। नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है। अच्छा भैया आप देख तो लीजिए एक बार। नहीं मुझे नहीं लेना। कौन है? मैं हूं नीता प्रशांत। ये लो नीता, हम सब इंतजाम करके लाए हैं तुम्हारे लिए। घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती होगी ना, है ना? और योगेश भी ना गुस्से में कुछ भी कर जाता है। अब ये देखो, अपनी बहन पर यकीन ना करके उस डबोसरा वाले लड़के की बात पे यकीन करता है। अरे उस डबसोरा वाले लड़के की औकात ही क्या है जो तुम्हारे बारे में भला बुरा बोले। अरे असलियत तो हम जानते हैं ना, तुम तो गंगा की तरह पवित्र हो। घबराने की जरूरत नहीं है नीता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नीता प्रशांत प्लीज उस लड़के के बारे में मत बोलो मेरे सामने प्लीज। अच्छा ठीक है, हम नहीं बात करेंगे उसके बारे में। तुम प्रशांत तुम क्या कर रहे हो, तुम आगे क्यों आ रहे हो? नीता हम तो वही कर रहे हैं ना जो तुम उस टपसोरा वाले लड़के के साथ करने वाली थी। पागल हो गए हो तुम, दूर जाओ उससे, निकल जाओ अभी इसी वक्त, समझे? अरे नीता, अरे ठीक है हम जा रहे हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक याद कर लेना, हम तुम्हारी सारी की सारी जरूरतें पूरी कर देंगे। देखो प्रशांत निकल जाओ यहाँ से। जा रहे हैं। निर्दोष है, इनके दामन पर कोई दाग नहीं। आ गए? बड़ी देर कर दी आने में। जी मैम, वो जरा आने में देर हो गई। मैडम जी क्या कर रहे थे आप, ये आपको मालूम है ना सब कुछ गलत है? क्या कर रहे थे आप, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं। मुझे माफ कर दे फैन, सॉरी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने इतना बड़ा झूठ बोला कमीने, मैं तुझे ताली छोड़िए इसे योगेश जी, ये घर नहीं है पुलिस स्टेशन है, अपनी भावनाओं पे काबू रखिए। 170,000 रुपए मामूली रकम नहीं होती है। किसने दिया तुझे? कौन है वो आदमी जो नीता जी को बदनाम करना चाहता था? बोल, पता? उसका 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 नाम है प्रशांत। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मुझे दगा दिया। क्यों प्रशांत, क्यों क्या तूने ऐसा? अरे तो क्या करते हम तो बोले रहे ना तुमको कि अच्छी लगती है तुम्हारी बहन, शादी करा दो हमारे, लेकिन नहीं, तुम तो हमारी बात माने ही नहीं, इसलिए मजबूरन हमको यही रास्ता चुनना पड़ा। और सोचा
जब नीता हमारी हो ही नहीं सकती तो क्यों ना उसका नाम बदनाम कर दे। इस साजिश को अंजाम दे खातिर हम योजना बनाए थे। सच कहते प्रशांत, हम थक गए। उसे तो कुछ नजर ही नहीं आता अपनी बहन के आगे, और वो नीता, वो भी कुछ कम नहीं है। मेरे भाई को घर से निकलवा कर देखो कैसे महारानी बन के बैठी हुई। मन तो करता है ना कि तुम कुछ ऐसा करो कि उसका हुरूर और उसके भाई का अहंकार साथ में चूर चूर हो जाए। बस इतने से बात, अभी आपकी प्रॉब्लम दूर किए देते हैं। अरे बेटा विकास, एक फोटो भेज रहे हैं, नाम है उसका नीता। उसको इतना बदनाम कर दो कि पूरे मोहल्ले में शक्ल दिखाने लायक ना बचे। अरे अपने ही घर में आग लगा दी तुमने शिल्पा। एक औरत होके दूसरी औरत के मान सम्मान मर्यादा किसी चीज का कोई मोल नहीं रखा। आज से हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो खत्म। ले जाओ इन दोनों को। लड़की किसी से जरा सा हंस बोल ले तो समाज के कुछ लोग उसके लिए अनुचित राय कायम कर लेते हैं। लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना उसे बदनाम करने का सबसे आसान तरीका होता है। प्रशांत ने भी यही किया, नीता को बदनाम करने के लिए विकास का सहारा लिया, और दूसरी तरफ शिल्पा ने भी अपनी ननंद का विश्वास तोड़ा, जबकि नीता शिल्पा पर अपने से ज्यादा भरोसा करती थी। शिल्पा ये कभी समझ ही नहीं पाई कि कोई भी रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। अपने मतलब और अपनी असुरक्षा के चलते उसने ना सिर्फ नीता का बल्कि अपने पति का भरोसा भी तोड़ा। इस साजिश का भाग बनने के लिए शिल्पा बंसल को आईपीसी की धारा 120B के तहत 2 साल की सजा हुई। वहीं दूसरी तरफ विकास कुमार और प्रशांत सिंह को मानहानि के जुर्म में आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी की धारा 500 के तहत 2 साल की सजा हुई। पूरे मामले में नीता ने जिस तरह से होशियारी दिखाई, समाज के खिलाफ होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, उसी की वजह से प्रशांत, विकास और शिल्पा का षड्यंत्र सबके सामने आ सका। बदनामी के डर से हम में से कई लोग जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, मगर हमें ये सोचना होगा कि बदनामी अपराधी के सर होती है। हमेशा की तरह मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, अगर आपके इर्द गिर्द या आपके साथ कोई अपराध हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूँ। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।